सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अपनी ब्लैक बीस्ट खड़ी हुई यहाँ पे और यहाँ पे खड़ा हुआ है बुलेट राजा। बुलेट राजा क्या हाल चाल? बढ़िया मॉर्निंग है, नजारे देखो आप सामने। ये देखो भाई नजारे, लेह में ही आज हम स्टे कर रहे हैं, सेम होटल में जिसमें कल कर रहे थे। एस्ट्रा 360 पकड़ो, होल्ड इट बॉय। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। एक और नई व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हम लेह से निकल रहे हैं नुब्रा वैली के लिए और बीच में पड़ने वाला है खरदुंगला, द हाईएस्ट मोटरेबल पास, और उसकी हाइट है अराउंड 18,000 समथिंग। यहाँ पे ज्यादा देर अपने को रुकना नहीं है, 5-6 मिनट रुकना है, बाकी है। कल रात को ज्यादा हम सोए नहीं है, कल लेट नाइट 1-2 बजे के आसपास सोए और 3 वीडियो एडिट करी है, वो कल अपलोड कर दिए। एक और है जो आज सुबह कर दूंगा। इसी तरीके से तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है, आप भी वीडियो में लाइक ठोक दो अभी और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। तो जी फाइनली हम निकल रहे हैं लेह से, अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया दीपक ने और विंडस्क्रीन साफ नहीं हुई दीपक, तो भाई विंडस्क्रीन को बढ़िया तरीके से क्लीन कर लेते हैं जिससे कि बढ़िया से नजारे आपको देखने को मिल जाए। सो गाइस फाइनली निकल रहे हैं लेह से और सीधा जाएंगे नुब्रा वैली, जहाँ पे हम करने वाले हैं भाई ओवर लैंडिंग। तो आज आपको कैंपिंग देखने को मिलेगी और यहाँ से भाई टाइम दिखा रहा है 5 घंटे का, तो 2 बजे के आसपास हम वहाँ पहुंचने वाले हैं। अगर थोड़ा बहुत आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 बजे तक भी पहुंच जाएगा तो कैंपिंग का हम प्रॉपर सेटअप कर लेंगे अपना आराम से। और भाई हमें ग्रीन टैक्स भी भरना पड़ेगा बीच में, तो देखते हैं जैसे भी ट्रेस होंगे आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगी। मैं पूछ लेता हूँ अपने एडवेंचर बॉय से कैसी एक्साइटमेंट है गाइस। यार ये तो कुछ ज्यादा ही होगी, साइड वाले भी आपकी कैसी एक्साइटमेंट है भाई? फुल ऑन एक्साइटमेंट, आज जाएंगे नुब्रा वैली, जाएंगे मजा आएंगे। ओके गाइस, सो हम फाइनली ले को करते हैं बाय बाय और चलते हैं सीधा नुब्रा वैली, चलते हैं फटाफट और नजारे दिखाते हैं आपको। यार है कोई खबर, नुब्रा वैली के लिए परमिट बनता है ना, वो ऑनलाइन बनता है। तो अभी हमने पीछे से शॉप है वहाँ से पता किया है, तो उन्होंने एक वेबसाइट बता दी है, उस पे जाके भरते हैं। 520 पर पर्सन बता रहे हैं, उसमें सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है, कितने नंबर ऑफ पर्सन है और उनके आधार कार्ड आईडी प्रूफ लगाने पड़ते हैं। एक बार फिल करता हूँ मैं, बाकी की डिटेल्स आपको थोड़ी देर देता हूँ। दीपक पता नहीं भाई गाड़ी को कहाँ ले गया, पैदल पैदल जाना पड़ रहा है, सांस फूल जाती है भाई लेह में पैदल चलने से। बाकी गाड़ी अभी दिखाई देगी अपने को, तो गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ पे जाके फिल करते हैं फॉर्म को और फिर निकलेंगे आगे। पहले वो फॉर्म तो करते हैं यहीं पे, आगे नेटवर्क मिले ना मिले। सो गाइस हमने परमिट बनवा लिया, ऑनलाइन वेबसाइट है लेह परमिट ऑनलाइन, उस पे जाके आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है, कितने पैसेंजर्स हैं, सबका आधार कार्ड नंबर, ये सब चीजें भर के आपको परमिट मिल जाता है। और वो जैसे 4 बंदे हमें ना टोटल, तो पड़ा है 1920 रुपए का। एक काम करना, मैं आपको एक सजेशन दे देता हूँ, जैसे हमें तो अभी पता चला था कि वो परमिट बनता है, बट आप क्या करना, जैसे आप लेह में एंटर होते हो ना, तो उसी दिन वो परमिट बना लेना, जिससे कि आप जिस दिन नुब्रा वैली जा रहे हो टाइम वेस्ट ना हो। अब हमारा इसी चक्कर में ना आधा घंटा वेस्ट हो गया है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी अब सीधा जा रहे हैं नुब्रा वैली और देखेंगे रास्ते में कहाँ चेकिंग होगी, वहाँ उसको दिखा देंगे परमिट को और फिर सीधा निकलेंगे। ठीक है, बाकी सब ठीक है, बढ़िया है। खरदुंगला जा रहे हैं हाईएस्ट एल्टीट्यूड। और एक चीज और यार, खरदुंगला से भी ऊपर का जो एल्टीट्यूड है ना, वो भी डीआरओ ने बना दिया है, कहीं एयरपोर्ट वगैरह तक जाता है वो, कुछ ही सालों में हो सकता है 1 या 2 साल के अंदर वो टूरिस्ट के लिए भी ओपन हो जाए। तो लोकल्स ने बताया कि खरदुंगला से भी ऊपर वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास बन चुका है, तो जैसे ही बनेगा देखेंगे आगे कभी ट्रिप लगाएंगे लेह की तो वहां भी विजिट करेंगे। बाकी आज आपको खरदुंगला दिखाते हैं, उसके बाद सीधा नुब्रा वैली जहाँ पे करेंगे कैंपिंग, तो चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस अभी हम रुक गए हैं डीजल भरवाने के लिए, अभी कितने डंडे दिखा रहा है गाड़ी में, हाफ टैंक है अपनी गाड़ी, तो यहाँ से फुल करवा लेते हैं क्योंकि पता नहीं आगे कहीं जाके मिलेगा या नहीं अपने को पेट्रोल पंप। यहाँ पे रेट है 89.37 जो कि टांडी में था, सेम वही रेट है यहाँ पे। लड़की कर गई, चल भाई टंकी कर दो फुल। क्या बात है, नॉटी बॉय बुचाले। डीजल आ चुका है 1451 और 16 लीटर डीजल आया अपनी गाड़ी में, बाकी देखते हैं आगे कहाँ मिलेगा अपने को डीजल, हो सकता है हुंडा वैली में मिल जाएगा ना, है वहाँ नुब्रा में, नुब्रा में है ना। चलो तो भाई यहाँ से निकलते हैं, गूगल मैप लगा दिया है, अब अपने को यू टर्न मार के निकलना है। जैसे आपको ये इनफील्ड दिखाई दे रही है ना भाई, इनफील्ड के रेट लेह के अंदर है 1500 के आसपास और हिमालयन के रेट कितने हैं, 2500। हिमालयन के रेट 2500 है, बाकी जुगाड़ उगाड़ लगा के 2000 भी हो जाते हैं, इस हिसाब से रेट है अभी करंटली, क्योंकि अभी पीक सीजन है कि भाई रेट से है। अगर कोई शौकीन है बाइक्स का, हमने प्लान तो किया था हमें नुब्रा से जाना है पेंगोंग से फिर लेह आना है, तो इतने दिन के लिए बाइक का कोई प्लान नहीं है, हमारा 1 दिन का ही था, वो पॉसिबल नहीं हो पाया, देखेंगे आगे कभी ट्रिप आएंगे तो बाइक लेंगे। लेह से जस्ट बाहर निकलते ही आपको ऑनलाइन परमिट चेक कराना होता है, जैसे यहाँ पे अभी हमें रोका था वहाँ पे हमने अपना ऑनलाइन परमिट दिखा दिया और आगे एंट्री कर दी, और उन्होंने जस्ट यही पूछा इतने लोग हैं आप और काउंट किया और आगे भेज दिया। तो अभी सीधा जा रहे हैं गाइस नुब्रा वैली, अब कहीं भी अपने को कोई परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो चलो फिर सीधा चलते हैं नुब्रा। यार नजारे देखो आप, यार रेत के पहाड़ है बिल्कुल, यार ये देखो टीले बने हुए हैं, रेगिस्तान जैसा दिखाई दे रहा है, पर भाई ये माउंटेन्स है भाई, माउंटेन्स, नजारे एंजॉय करते रहना आप रास्ते में। सफर कैसा है
देखो वहां से कहीं से भाई घूम घाम के और अभी करीबन हम 15-16,000 फीट पे होंगे। स्टॉप लिया थोड़ा सा कमर वमर सीधी करने के लिए, उसके बाद आगे निकलेंगे। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं साउथ पुल्लू और यहाँ भी चेक पोस्ट है, तो यहाँ चेकिंग वेकिंग होगी। देखो कितनी गाड़ियां खड़ी हुई है लाइन से, तो हमें इनके पीछे लगाना है और जैसे आगे गाड़ियां बढ़ती रहेंगी शायद यहाँ भी मेरे को लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देनी पड़ेगी। सो गाइस अब हम पहुंच गए साउथ पुल्लू है गाइस उसका नाम। तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, अब यहाँ पे कुछ शायद इन्फॉर्मेशन लिखवानी है कुछ है। यहाँ के निशांत भैया अपनी स्कॉर्पियो खड़ी है, ये भी चलते यार सांस फूल जाती है, यहाँ पे दो कदम चलते ही सांस फूलने लगती है, एकदम स्लिम ट्रिम भी तो बहुत है यार, ये तो प्रॉब्लम है, इधर जाना पड़ेगा भाई। शिट भाई, तो जी ऊपर जाके नोट करवाना है, हाथ होगी खराब, कर दे एंट्री कर दे यहाँ पे। टाइम कितना हो रहा है? 11:26। मुझे अभी थोड़ी दूर से ही चल के आया हूँ और सांस फूल गई भाई, अब एग्जैक्टली पता नहीं है कितने एल्टीट्यूड पे अभी हम, और आगे खरदुंगला आने वाला है द हाईएस्ट मोटरेबल पास, तो बस वो दिखाते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ पे अभी अपना भूचाल वगैरह लगा हुआ एंट्री करने में, उसके बाद निकलेंगे आगे सीधा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फोन नंबर वगैरह सब आपको? तो भाई बिल्कुल खड़ी स्टेयर्स हैं, चलो 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 दो तीन कदम चलो सांस फूल, आ जा एंट्री, चलो Let's go boys. सियाचिन वॉरियर भाई, इन द वर्ल्ड की हाईएस्ट चेक पोस्ट है सियाचिन। Yes, you are right. 28,000-30,000 फीट पे है। साउथ पुल्लू से निकलते हुए कुल्लू की तरफ। बात-बात पे गाएगा ना टिंकू जिया। हमारा है ये कैसा दीवाना। बात-बात पे गाएगा ना। हम पहुंचने वाले हैं खारदुंगला और ये देखो गाड़ी देख लो आप, प्लीज ड्राइव केयरफुली, ये गाड़ी कहीं ना कहीं गिरी होगी यहीं से। इन्फॉर्मेशन के लिए दे रखी है कि भाई आराम से चलो यहाँ पे, तो पास देते चलो जो भी लोग आ रहे हैं, इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखो, ये सारे रोड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं, प्लीज केयरफुली ड्राइव करो। नहीं मतलब यार अपना जितनी कैपेबिलिटी तुम्हारी गाड़ी की है तुम्हारी है, उसके हिसाब से चलो भाई, किसी को जल्दी है तो पास दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लेट हो जाएंगे 10 मिनट लेट हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, पहुंचेंगे जरूर। गाइस हम पहुंचने वाले हैं जस्ट, आपको अभी थोड़ी देर में खारदुंगला दिखाते हैं, 2-3 मिनट से फालतू नहीं रुकना, एक हमें इंडियन फ्लैग के साथ एक फोटो लेना है बढ़िया सा। ये देखो भाई आपको अपने लेफ्ट में दिखाई दे रहे हैं स्नो वाले माउंटेन्स, खारदुंगला जैसे हम पहुंच रहे हैं ना तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी ऊपर मौसम क्लियर है, स्नो तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। ड्रीम था अपना मतलब ब्लैक बीस्ट को हाईएस्ट मोटरेबल पास पे पहुंचाना और इंडियन फ्लैग के साथ एक अच्छा सा फोटो कैप्चर करना, बस वो जल्दी से ड्रीम पूरा होने वाला है, पहुंचने ही वाले हैं, जस्ट कुछ ही मिनट रह गए। फाइनली वी हैव रीच्ड खारदुंगला पास, यहाँ तो लाइन लग रही है यार। सो गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा, देखो ये सारी गाड़ियाँ देखो आप। मैं हटा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, आने दो पीछे, और जगह है, स्पेस है, आ जाओ, थैंक यू। ये देखो भाई ये हालत होती है इन रोड्स पे, गाड़ी को टो करके ले जा रहे हैं। हैरियर है भाई, हैरियर, टाटा हैरियर में तो बहुत ही प्रॉब्लम सुनी है मैंने, देख ही रहे यार हमारे आगे चल रही थी जो पांक के बाद, वो उसमें पूरी धुआं दे रही है, गोल्डन कलर वाली। सो गाइस स्नो ही स्नो है यहाँ पर, बहुत सारी स्नो है, भूचाल बॉय ने फोटो खराब कर दिया भाई, इस वजह से करिए ताकि इसकी फोटो नहीं थी उसमें, इधर खींच लेते हैं। तो भाई हमारा ड्रीम तो फुलफिल हो गया दीपक है ना भाई, ये पहुंचानी थी, पहुंच गया, बड़े प्यार से पहुंची है। Nice, thank you. ये देखो भाई अब नीचे उतरते जाएंगे, अब नुब्रा वैली है 9,000 feet something. So guys हम रुके हैं लंच करने के लिए और हमने मंगाए हैं राइस प्लस ये चने की दाल, तो यहाँ पे चने की दाल मिलती है और साथ में है चटनी, सबसे बेस्ट चीज है भाई अपना दाल चावल, दाल चावल से बढ़िया कुछ नहीं, क्योंकि भाई इसमें होता है पानी, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, अपने तुम्हारी बॉडी को जो पानी की नीड है ना वो भी पूरी होती है। फालतू चीज खाने की जरूरत नहीं है, मोमोज खा रही है पब्लिक यहाँ पे फालतू गई भाई, इन चीजों को मत खाओ, मैगी मोमोज को यहाँ पे मत खाओ, तो मनाली शिमला में मजे ले लो इन चीजों के, क्योंकि एल्टीट्यूड पे इनडाइजेशन की दिक्कत बनती है। इस देखो सबने हमने खाना खा लिया और देखो भूचाल बॉय अभी लगा हुआ, 4 प्लेट मंगाए थे सबने खा लिया था, भूचाल बॉय को भूख लगी, दूसरी प्लेट मंगाई थे अकेला बैठ के खा रहा है। ये देखो भाई सॉलिड ले रहे सिस्टम भाई, कितने भी खा लो, अब मैदा खिला लो इसको तो, और भाई उससे कह रहा है ऑनियन ले आओ भैया 2 प्लेट, बहुत खतरनाक टाइप का इंसान है। तो भाई खारदुंगला है 18,380 फीट पे और अभी जहाँ पे हमने लंच किया ना ये 16,000 समथिंग है। तो ये देखो यार जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब हम आए थे ना बाल चला वो 15,000 समथिंग पे था, तो वहाँ अपने को दिक्कत हो रही थी, नहीं
बिल्कुल वहाँ तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, वहाँ दिक्कत हो गई क्योंकि वो अपना फर्स्ट पास था, बट अब बॉडी गई एक्लिमेटाइज हो चुकी है, तो हमने आराम से बैठ के लंच भी कर लिया है। बट अब आगे निकलते हैं यहाँ से और टाइम हो चुका है 1:04, यहाँ से आगे 2 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास लगने वाले अपने को नुब्रा वैली के लिए, जहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे और अपना रूफटॉप टेंट ओपन करने वाले हैं।